बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो भी होने वाली है साथ साथ, जिससे वीडियो है कि दावत की मेहनत, तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। दुर्गा अजीजो, बुनियादी तौर पर सबसे पहले हर काम करने वाले को दिल की गहराइयों से इसका यकीन हो कि दावत और अमल इन दोनों का कमा हक्कहुमा, जैसा इन दोनों का हक है, इन दोनों को मुसलसल जमा रखना ये तरबियत का, तज़किये का, इस्लाह का और ताल्लुक मा अल्लाह का ऐसा यकीनी रास्ता है जिसका इनकार करना सुन्नत का इनकार करना है, जिसका इनकार करना सुन्नत का इनकार करना है। दिल के अंदर इसका यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत का ज़ाबता दावत इल्लाह को मुतय्यन फरमाया है, हिदायत का ज़ाबता दावत इल्लाह को मुतय्यन फरमाया है। दावत इल्लाह दीन के किसी शोबे का मुतबादिल नहीं है और दीन का कोई शोबा दावत का मुतबादिल नहीं है। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनना, अगर हम ये ख्याल करें कि हाँ काम है और भी काम है, तो दावत इल्लाह का कोई मुतबादिल नहीं है। और यह भी याद रखना कि दावत इल्लाह दीन के किसी शोबे का मुतबादिल नहीं है कि इसको छोड़कर इसको कर लिया जाए, इसको छोड़कर इसको कर लिया जाए। दावत इल्लाह का कोई मुतबादिल नहीं है और महज दावत दीन के शोबों का मुतबादिल नहीं है, क्योंकि दीन और दावत, तबलीग और तालीम, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ऐसी मुतलाजिम हैं, एक दूसरे के साथ ऐसी मुतलाजिम हैं कि ये एक दूसरे का मुतबादिल नहीं हो सकते। जो चीजें आपस में मुतलाजिम होती हैं वो किसी शक्ल में एक दूसरे का मुतबादिल नहीं हो सकती। हमें दिल के गहराइयों से इसका यकीन हो, क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, दावत इल्लाह से बढ़कर अल्लाह के कुर्ब का कोई जरिया नहीं है। दावत इल्लाह से बढ़कर अल्लाह के कुर्ब का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जितना मखलूक को खालिक की राह पर लाने की कोशिश करोगे अल्लाह को इतना ही ज्यादा राजी करोगे। बल्कि एक सही हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के दीन के जोहद से बढ़कर कोई अमल अल्लाह के कुर्ब का नहीं है। क्यों? इसलिए कि दावत इल्लाह तमाम अमाल में, तमाम फराइज में, तमाम नेकियों में, तमाम इबादात में, यहां तक के ईमान जो तमाम इबादात की बुनियाद और असल है, जिसके बगैर किसी अमल का एतबार भी नहीं है और जिसके बगैर अमल पर अजर भी नहीं है और जिसके बगैर अमाल पर इस्तकामत भी नहीं है और जिसके बगैर अल्लाह के वादों को पूरा होना भी नहीं है, वो ईमान वो भी दावत इल्लाह पर ही बनना मौकूफ है। वो ईमान भी दावत इल्लाह पर बनना मौकूफ है। मौलाना इलियास साहब के मल्फूजात में है, हद के मल्फूजात खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो, हद के मल्फूजात में है कि ये मेहनत ईमान और आमाल की तकमील के लिए है। तबलीग सिर्फ तालीम के लिए नहीं है, तबलीग सिर्फ तालीम के लिए नहीं है। हद के मल्फूजात में है कि दावत इल्लाह, इससे कलमे नमाज का दुरुस्त हो जाना,
कलमे नमाज का दुरुस्त हो जाना इस मेहनत से, ये इस रास्ते की अलिफ बाता है जो बच्चे को पहले दिन पढ़ाई जाती है। जैसे ही कोई काफिर इस्लाम में दाखिल होता था, सबसे पहले उसको बताया जाता था कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तेरे दुखूल का, ये तेरे दुखूल का, ये तेरे दुखूल की अलामत है और ये तेरा दीन है कि तू नमाज कायम कर, जकात अदा कर, रमजान के रोजे रख, बेतुल्लाह का हज कर। ये फराइज उसको पहले दिन तालीम दिए जाते थे। इसलिए ये बात याद रखना कि दावत महज तालीम अमल के लिए नहीं है कि इस काम से अमल सीख कर ये समझे कि मैं इस मदरसे से फारिग हो गया हूं, बल्कि दावत ईमान और आमाल के साथ इस तरह जोड़ी गई है कि दावत अल्लाह के जरिए ईमान और आमाल के अंदर कमाल पैदा होता रहे। मौलाना इलियास साहब की वफात से 1.5 महीने के बाद मौलाना हिसार रहमतुल्लाह ने काम करने वालों को एक खत लिखा था, उसमें यह बात लिखी थी कि उम्मत खुरूज को अहमियत इसलिए नहीं देती कि इसको कलमा नमाज ठीक करने की तहरीक समझती है, हालांकि इस काम का मकसद है अपने कलमा नमाज के अंदर नूर और जिला पैदा करना, जिससे हमारे अमाल सतियत के बजाय हकीकत इख्तियार कर लें। दावत और खुरूज अमाल को सतियत से उठाकर हकीकत पर लाने के लिए है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, सबसे पहले हमें अल्लाह के रास्ते में निकलने की जरूरत और इसके मकसद को समझना है, क्योंकि जो मेहनत बिला मकसद हो उस पर इस्तकामत कभी नहीं हो सकती। कुरान ने साफ तौर पे फरमाया है, वमन अहसनु कौला मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, उस शख्स से अच्छा दीन हो किसका सकता है जो दावत देते हुए अमल करे। गोया दावत और अमल इन दोनों को मुसलसल जमा रखना, दावत और अमल इन दोनों को मुसलसल जमा रखना, ये दीन को सबसे अच्छा बनाने वाला है। उलमा ने तफसीर इसी तरह की है, बल्कि मुफस्सिरीन ने तर्जमा इसी तरह किया है और ये फरमाया है कि वमन अहसनु दीनन का मतलब है वमन अहसनु अमलन, अमल से दीन मुराद लिया है। वमन अहसनु कौलन से कौल से दीन मुराद लिया है कि उससे अच्छा दीन हो किसका सकता है जो दावत देते हुए अमल करे। मालूम यह हुआ कि दावत ईमान और अमाल के अंदर कमाल पैदा करने के लिए है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, बुनियाद इसको बनाओ कि अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत ईमान और अमाल की तकमील के लिए है। अच्छा बताया इन्होंने दावत के बारे में, दावत और ईमान के बारे में, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को सुन के क्या समझ आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे अंदर ईमान और दावत कैसे होने चाहिए। दावत हमारे अंदर ईमान भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।